हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केंद्र सर्च अकेडमी में, जहाँ पे मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एडवांस प्रोडिक्शन बताऊंगा, स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और इस स्ट्रैटेजी आपको हेल्प होगी जो लोग ऑप्शंस बायर है, ऑप्शंस सेलर है, या निफ्टी बैंक निफ्टी में बुलाती है कब जाना है कब नहीं जाना है, या फिर जो ऑप्शंस राइटर है उनके लिए भी वीडियो काफी कारगर रहेगी, काफी वैल्यूएबल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। डायरेक्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल वे डिस्कस करने के बाद अटेंड करना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए। मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले निफ्टी चार्ट्स की मैं बात करने वाला हूँ। तो निफ्टी चार्ट्स में अगर आपको याद होगा, ऊपर का मैंने हडल दिया था 23,147 का, मार्केट ने देखो इसी के आसपास आया, रिजेक्ट करा, बेस बनाया यहाँ पे, और इसी के बाद अगर इस सेटअप की बात करो तो मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा सेटअप होता है जिसको आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो लक्ष्मण रेखा के नीचे सपोर्ट किया, इसने आराम से बेस बनाया और उसके बाद देखो क्या शार्प फॉल दिया कल इंट्राडे में, कितने पॉइंट की रैली आप खुद कैलकुलेट बताओ, 200 पॉइंट की रैली इंट्राडे में कल गिरा था। उसके बाद मैंने लक्ष्मण रेखा दिया था 22,970 का, मार्केट कल वहीं से बाउंस बैक दिया, आज भी वहीं से देखो बाउंस बैक दिया, ये 28 तारीख है, देखना मार्केट आया इसी जगह से, इसने बाउंस बैक दिया, दोबारा आया फिर बाउंस बैक, तिबारा आया फिर बाउंस बैक। तो आप देखो कहीं ना कहीं ये जो नीचे का लक्ष्मण रेखा था कितना पावरफुल था, ये कोई तुक्का सिस्टम नहीं है, ये कोई तुक्के बेसिस पे लाइन नहीं खींची है, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं खींचा, ये न्यूमरोलॉजी गेम है जो मैं आपको सिखाने की बात करता हूं। तो आप देखो कितना अच्छा बेस बनाया और यहीं से पैनिक आया, आया दोबारा डेड कैट बाउंस दिया, लोगों को दिखाने की कोशिश करी मैं चढ़ाई करूंगा, लेकिन उसके बाद वापस मार्केट में जाते जाते इसने क्लोजिंग दे दी, जो कि हमारा खुद का लेवल था 22,970 के नीचे आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो वहां से करीब करीब 70 से 80 पॉइंट की गिरावट आई, बट नॉट इंटरेस्टेड, मेरा टारगेट है 22,870 एंड 22,847 तक का। तो कल भी सेम इंटैक्ट रहेंगे लेवल, 970 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो 870 का पहला और 847 का दूसरा रहेगा, और इसी जोन में अगर बाउंस बैक आएगा तो इसी जोन में आने के बाद बाउंस बैक आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इस लेवल पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अगर बाई चांस कल बाइंग नहीं मिला और 22,847 के नीचे अगर ये मार्केट सस्टेन करेगा 10 मिनट भी, तो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा 22,770 और नीचे का लेगा 22,647 तक का लोअर लेवल का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मेरी बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर लास्ट वीडियो मैंने बताया था हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता, टॉप के लेवल पे खरीदने का नहीं, टॉप के लेवल पे ओनली थिंग फॉर द सेल करने का सोच रहे हैं, देख लो जो टॉप बताया वहीं से मार्केट गिरी, और आज जाके अपने स्टॉक्स उठा लेना जो चढ़े हुए थे। आज कई सारे स्टॉक्स ही ऐसी पिटाई हुई आपने कभी सोची ना होगी ना कभी देखी होगी, उतार कर देख लेना, और क्लियर कट बताया था वीडियो के अंदर, बताया था कि नहीं बताया था कमेंट करके बताना, अगर 1% भी आपको मेरी वीडियो से हेल्प होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूं गलत जा रहा हूं, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अच्छा क्या एनालिसिस दे सकता हूं। और हाँ एक चीज और मैं बता देता हूं, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट का, ठीक है। अब खुद जाकर देख लो 49,856 के लिए सेल बोला था कि नहीं बोला था, मार्केट पिन पॉइंट वहां से आप खुद कैलकुलेट कर लो, 1,000 पॉइंट की टारगेट लोअर लेवल का हिट हुआ है, 1,000 पॉइंट का टारगेट, ये है पावर कल की बात आज का। मैं ये नहीं कह रहा 100% होगा, लेकिन हाँ जब जब चलेगा सर बड़ा टारगेट आएगा, तो बड़ा अगर टारगेट सोच रहे हो तो किंग रिसर्च को फॉलो करना, और लेवल्स को हम्बल रिक्वेस्ट है 10 दिन कम से कम फॉलो करो जो नए हैं, और पेपर पेन लेके बैठो लेवल्स को नोट करो और इसी तरीके से चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रॉ करो। अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे फेवरेट चार्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो मेरे दोस्तों मैं बोलूंगा फायर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अकाउंट ओपन कर देना। आप अगर हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हो तो एक हमारा एक सेपरेट एक ग्रुप है जहां पे हम लोग लर्निंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं सिर्फ उनके साथ जो मार्केट में सीरियस है, जो हमारे साथ लॉयल है, यानी कि हमारे साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो, फ्री में बहुत सारे सेमिनार्स करता हूं, वर्कशॉप करता हूं, ऑनलाइन सेशन करता हूं, अगर आप उसका पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, किसी भी लिंक के साथ हमारा अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। भाई एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरा हो सकता है इस रेफरल लिंक के माध्यम से, तो भैया प्लीज आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उनके साथ आप एक अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और अपना यूजर आईडी जो लिंक है वो आप उससे शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में डाल सकूं, और वहां पे जो लर्निंग्स लेते हैं प्राइवेट सेशन जो हमारे होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सको, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीख कर जा सको, ये मेरा आपसे कमेंट रहेगा। राइट, अब ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक निफ्टी लक्ष्मण रेखा बाउंस बैक। अब मैंने बताया था 49,850 से लक्ष्मण रेखा, देखो सर मैं फिर बोल रहा हूं गैप अप खोला, तेजी दिखाई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो लोग बाइंग करते हैं उनको बाइंग भी दिखाया, लेकिन सस्टेन ही नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया,
बिजनेस पावरफुल ट्रैप। तो हमें कैसे पता चलेगा आपको सेल करना है बाई करना है, यही मैं सिखाने की बात करता हूं। अच्छा, अब ये ट्रैप तो आया फिर से उसी जगह पे लक्ष्मण रेखा, और ये लक्ष्मण रेखा कितना था, 49,256, 49,156, ये 100 पॉइंट का लक्ष्मण रेखा देख आज पूरे दिन मार्केट इसी जगह पे डांस करता रहा, आया यहीं से बाउंस बैक, फिर से आया फिर से यहीं पे मार्केट, अब जाके इसने क्लोजिंग दी है इसके नीचे 49,156 मार्क कर लो। अगर कल मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर गया तो 48,856 का पहला, और अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया फिर तो मैं सीधे आपको 600-700 पॉइंट का नीचे का टारगेट दे दूंगा, 48,456 एंड 48,156 तक का लेवल है। आप कैलकुलेट कर लो कितने पॉइंट्स के लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं। ये लक्ष्मण रेखा है, ये न्यूमरोलॉजी है सर, ये आप समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग बोलते हैं सर ये कैसे निकालते हो, सर ये तपस्या है जो 18 साल में मैंने करी है, ये तपस्या है जो बहुत सारे चीजों को मल्टीप्लीकेशन करके फिर ये काम पे आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिंपल एंड शोबर बात करो, न्यूमरोलॉजी और सिंपल मैथ्स के बेसिस पे लेवल्स निकलते हैं, ये वो नहीं जो आप डिमांड एंड सप्लाई के लेवल्स निकालते हो। भाई ये अगर उससे पैसा बन रहा होता तो भैया सारे पैसे नहीं बना रहे होते थे, आप सब तो वही सीख के बैठे हो ना। तो मैं हमेशा बात करता हूं, सीखना वो है जो आपको नहीं सिखाया जाता, सीखना वो है जो ऑपरेटर आपके साथ कबड्डी कबड्डी खेलता और आपको पता भी नहीं चलता। तो सीखना किससे है, जो मार्केट में खुद पैसा बना रहा हो, ना कि सिर्फ बोल वचन कर रहा हो, जिसकी खुद एक्सपर्टाइज हो मार्केट में पैसा बनाने की। ज्ञान नहीं पहनना है सर, सिर्फ जो काम करके दिखा रहा है उसके पास जाकर सीखना है, और वो भी साइकोलॉजी पे फोकस करना है जो 70% काम करता है, राइट। अब लेवल सुन लो, अगर बाई चांस कल 156 का लेवल टूटता है, पहला बता दिया नीचे का बता दिया सारे बता दिए, एनी डे टिकट अबाउंस, अगर कल 49,456 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा मिनिमम 10 मिनट, फिर मैं आप यहां पे बाइंग करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे, लालच देगा, बट नहीं मेरे दोस्तों, 456 के ऊपर आएगा, क्लीन ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तो मेरा पहला 49,856 एंड 49,856 एंड 50,156 तक का मेरा टारगेट ऊपर का आपको देखने को मिल सकता है। फिर मैं बता रहा हूं, टॉप पे सेल बॉटम पे बाय, यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। और हाँ, जब आप बाइंग कर रहे हो तो भाई ज्यादा क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी में काम करना, सेल कर रहे हो तो भी मैं आपको ज्यादा नहीं छोटी क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि तो मार्केट में हाई वोलेटाइल रहेगा, कब आपके दोनों तरफ ऐसे लेके जाएगा आपको समझ में जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, चौड़े में भी काम करने का नहीं, चुपचाप बैठ जाने का, सुमड़ी में बैठ जाने का, मार्केट को वेट एंड वॉच करने का और देखने का, भैया जो हो रहा है होने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो, सुन लो सबकी, करना जब आपके सेटअप में आएगा। सेटअप कहां से, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है उन सेटअप को फॉलो करो, पर्सनली बोल रहा हूं सर, पैसा बनेगा, सुकून से बनेगा, सीख कर ही आगे बढ़ोगे, शॉर्टकट से पैसा नहीं बनेगा, तुक्के ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो, प्लीज मुझे बताओ। तो भाई मेरे जो ट्रॉलर्स हैं उनकी मैं बात कर दूं, मैं बनाता हूं कि नहीं बनाता हूं, आज मैंने ट्विटर पर भी डाला, टेलीग्राम पर भी डाला, रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं सर। इफ आई टॉक अबाउट, ध्यान से समझना, ये देखो मैं अगर एक साल, आज से एक साल की बात करूं तो जून तक आएगा, चलो जून तक भी मैं आपको दिखाता हूं। 1 जून 2023 से 28/5/2024 एक साल एग्जैक्ट हुआ, एक साल के अंदर आपके सामने प्रूव है 61,95,000 रुपीज का प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट 62 लाख रुपीज का प्रॉफिट क्लोज किया है, जहां पे 5 लाख रुपए का लॉस दे दिया, यानी कि सॉरी ब्रोकरेज दे दी, चार्जेस दे दिया एंड ऑल, और आप देख लो 57 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट अब तक हमारा बन चुका है, अब तक हमारा बन चुका है। दिस इज पावर ऑफ सेटअप, लॉजिक, और लॉजिक के साथ मैजिक। तो जो ट्रॉलर्स जो कमेंट कर रहे थे कुछ दिनों से, अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, ये एक अकाउंट है, दूसरा बोलोगे दूसरा दिखाऊंगा, तीसरा बोलोगे तीसरा दिखाऊंगा, चौथा बोलोगे चौथा दिखाऊंगा, ये सिंपल आपके सामने है। इन्वेस्टिंग की मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, एक एक स्टॉक में 800-900,000% तक का भी आरओआई मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, राइट। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीखना उससे है जो मार्केट में खुद पैसा बनाता हो, सिंपल लॉजिक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं। कम एंड ज्वाइन टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लाइव ट्रेड एनालिसिस मैं करता हूँ, लाइव लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रेड विद लॉजिक जाके चेक कर लेना। साथ ही साथ में सैटरडे संडे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, सिर्फ मेरे साथ आपको अकाउंट ओपन करना। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, जय माता दी।